आज़ादी के अमृत काल का दूसरा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस को पारंपरिक तरीके के साथ साथ आकर्षक रूप में मनाने की पूरी तैयारी है। और कल यहां विधान भवन से परेड निकलेगी जिसमें विभिन्न तरह की झांकी भी होंगी और कल निकलने वाली झांकी से पहले ही हम आपको उन झांकियों की झलक दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है कल। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया और प्रदेश जो कि पूरा राममय है और राम जी की भक्ति में लीन है, तो कल जब देश गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा और उत्तर प्रदेश में जब यहां गणतंत्र दिवस समारोह परेड में झांकी निकलेंगी, तो यहां कल निकलने वाली झांकी में भी राम जी की प्रतिमूर्ति और आकृतियों को विशेष स्थान दिया गया और झांकी में श्री राम मंदिर का एक विशेष स्थान और आकर्षण रहेगा। यहां लखनऊ के चार बाग में इन झांकियों को तैयार किया जा रहा है। तीस पैंतीस साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ झांकी का और 15-20 आदमी लगा के मैं इसको काम तैयार किया है। विशेष ध्यान ये रखना कि मंदिर को एकदम रूप सेम जैसे अयोध्या का मंदिर है वो चीज इसमें आना चाहिए बस। कई विभागों की झांकियां हैं जिसमें निर्वाचन आयोग की भी झांकी है जो मतदाता जागरूकता का संदेश देगी। यहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर भी झांकी है, यहां पर वन विभाग की भी झांकी है। साथ ही जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो या जल संरक्षण का मुद्दा हो, उन मुद्दों को भी ध्यान में रखकर ये झांकियां तैयार की गई हैं। इस बार की जो झांकी है इसमें हम लोग एक मॉडल पोलिंग बूथ जिसको आदर्श मध्य स्थल बोलते हैं उसको क्रिएट करा रहे हैं और साथ में हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसको शो कर रहे हैं। आइडिया ये है कि ये मॉडल पोलिंग बूथ ही वो जगह है जहां से लोग सिलेक्ट होके इस संसद भवन तक पहुंचते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने सारा व्यवस्था जो है ऑनलाइन कर दी है। अगर आप वोटर बनना चाह रहे हैं नए तो भी आप ऑनलाइन अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी वोटर डिटेल में संशोधन कराना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इन झांकियों के जरिए जहां उत्तर प्रदेश की झलक दिखेगी, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी, साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इन झांकियों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रदेश के बारे में जानकारी मिले, लोग जागरूक हों। लखनऊ में कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़।